आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, कुछ लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होंगे, ऐसे अनेक अनाज पहले हमारे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, खान पान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदल गया, हम लोग आउटडेटेड लगने लगे, भय रहता था कि ये खाएंगे तो यार दुनिया को कैसे लगेंगे, ये तो पुरान पंथी है, ये बेकार है, उसको तो नई चीज आती नहीं है, कुछ समझता नहीं, ऐसे ही मानेंगे, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे हमारी ये सारी चीजें थालियां से गायब होती गई। ये घर में शायद बनाना भी अब तो नहीं आता होगा कई परिवारों को। इस खान पान गरीब, और दूसरा हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने हर चीज में अमीरी गरीबी का भेद कर दिया, और इसलिए इस थाली को भी ये खाएं मतलब गरीब, उसको टैग लगा दिया, तो फिर मैं गरीब नहीं हूं ये कहने के लिए भी उसने थाली छोड़ दी। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक, इतना बड़ी विकृति हमारी आई है। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में डिमांड है। आजकल जब हम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर जाते हैं तो अक्सर हैरान हो जाते हैं, जिस अनाज को कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था वो सैकड़ों रुपए किलो के हिसाब से आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं।